नमस्कार, मैं चक्रवात कुमार और आप देख रहे हैं देखो आज तक। राजकीय महाविद्यालय बनकर पूरी तरह तैयार नहीं हो सका अब तक चालू। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां विकास खंड भदौरा अंतर्गत एशिया के सबसे बड़े सैनिक बाहुल्य गांव गहमर में 944.41 लाख की लागत से राजकीय महाविद्यालय बनकर तैयार हो जाने के बावजूद भी अब तक चालू नहीं किए जाने से क्षेत्रीय लोगों के लिए उक्त महाविद्यालय सफेद हाथी साबित हो रहा है। सेवराई तहसील क्षेत्र के गहमर में बनकर तैयार राजकीय महाविद्यालय भवन के कार्यदायी संस्था उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है, जिससे क्षेत्र के युवा छात्रों को महाविद्यालय की सुविधा नहीं मिल पाने की वजह से निजी विद्यालयों में अधिक शुल्क देकर बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। गहमर स्थित राम रहीम महाविद्यालय का संचालन शिक्षा विभाग विकास समिति गहमर की कार्यकारिणी सदस्यों प्रबंधकों द्वारा किया जाता था। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में महाविद्यालय की नींव रखी गई, लेकिन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बावजूद भी अब तक महाविद्यालय चालू नहीं होने से क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश है। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने विद्यालय को शीघ्र चालू कराए जाने की मांग करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जाने। देखिए, हमारे गांव में यह 944 लाख की लागत से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालय गहमर बनकर तैयार है। तो मैं सरकार से ही गुजारिश करता हूं, यह जल्द से जल्द चालू हो, जिससे हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं का भविष्य निर्धारित हो इस नवनिर्मित महाविद्यालय में और उच्च शिक्षा अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकें। मैं सुधीर सिंह गहमरी, गहमर से। हमारे गहमर गांव में स्थित राजकीय महाविद्यालय, जो कि पूर्व विधायक जी द्वारा इसको लाया गया था गहमर में, और जो 944 लाख की लागत से यहां पर निर्मित है, मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द शिक्षा की शुरुआत किया जाए, ताकि यहां के छात्र छात्राओं को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बेखौफ आज तक से।